रेणुका भाभी बाहर आए जाओ, यू खंबे के पीछे छिपकर बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। चुप कर शरद, मैं चोर थोड़ी ना हूँ जो यहाँ चोरी करके छिपके बैठूंगी। वो तो मुझे मम्मी जी को डिस्टर्ब नहीं करना था ना, इसीलिए मैं यही रुक गई। माँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर आप इतना गुस्सा क्यों? बताओ क्या हुआ? सुहानी, अब क्या किया तुमने? क्यों सबको तंग कर रही हो? कभी कभी जो बाकी लोग कहे वो सुन लिया करो। शिवराज, हम वही कर रहे थे, लेकिन सॉरी माँ, गलती हो गई, लेकिन सौम्य केवल हमारा हाथ बटा रही थी। सुहानी, मैं तुमसे नाराज हूं, तुम मेरी बहू हो और मैं समझती हूं कि तुम्हें डांटने का पूरा हक मुझे है। पर सौम्या इस घर की मेहमान है, उसे ये सब मैं नहीं कह सकती, है ना? छोड़िए, आप गुस्सा मत कीजिए। सुहानी को मैं समझाता हूँ। सुहानी, सब क्या है? इतने दिनों बाद माँ वापस घर में आई है और आते ही तुमने इनको परेशान कर दिया। अब से तुम वही करोगी जो माँ कहेगी, समझे? चलो माँ, चलो मेरे साथ। सुहानी भाभी, जहां तक मैंने पिलर के पीछे से सुना ना, उसके हिसाब से बताओ। सौम्या ना मकर संक्रांति की तैयारी ऐसे कर रही थी कि जैसे वो इस घर की बहू है। मम्मी जी सुहानी जीजी को ये कह रही थी कि सुहानी जीजी इस घर की बहू है, सौम्या नहीं, इसीलिए सुहानी जीजी को तैयारियां करनी चाहिए। और मुझे जितना समझ में आया उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मम्मी जी ना भले सुहानी जी को डांट रही थी, पर असल में ना सौम्या को सुना रही थी। मुझे लगा अब बताओ क्या हो गया, अब इतनी गुस्सा क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं हर बात में उसका दखल देना, इस घर की हर चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। पर माँ, अभी तो आप कह रही थी कि वो अपना कोई भी काम ढंग से नहीं करती, आलसी होती जा रही है। आलसी कौन? सुहानी, और कौन, उसी की बात कर रहे हो ना? सुहानी की? तो आप सौम्या की बात कर रहे हो। युवराज, ये सब छोड़ो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, गृहस्थी की गाड़ी हमेशा पति पत्नी मिलकर चलाते हैं। दो लोग साथ मिलकर एक बेहतर जिंदगी बनाते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई तीसरा दखल दे तो आगे बढ़ने में मुश्किल होगी और रिश्तों में भी। रिश्तों की दुहाई देकर वो डांट सुहानी को रही थी, लेकिन वो सारी बातें मेरे लिए थी। मैं इतने मन से उन्हें स्टेशन पे लेने गई थी, वहां भी मुंह फेर लिया आंटी ने मुझसे। ये मम्मी जी को आजकल हो क्या गया है? और सिर्फ इतना ही नहीं भाभी, युवराज ने भी मेरी साइड नहीं ली, उसने भी कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं सौम्या,
तुम उदास मत हो, दादी सब ठीक कर देंगी, है ना दादी? रेक्स, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। प्रतिमा के तेवर बदले बदले लग रहे हैं। कुछ नहीं बदला, आप इतना परेशान मत हो। बेटा मैं कैसे परेशान ना हूं? मेरे परिवार में सब कुछ उथल पुथल हो रहा है, मैं कैसे चैन की सांस लूं? क्या हुआ माँ? बहुत बुरा हुआ, जो युवराज की शादी उस लड़की के साथ हो गई, पर अब हम मजबूर हैं। और सच तो यही है कि वो लड़की इस घर की बहू है। दादी, दादी आप कहना क्या चाहते हो? सौम्या, इसका मतलब है कि आगे हमें जो भी करना है वो सीधे रास्ते से नहीं बल्कि टेढ़े रास्ते से करना होगा। जैसे कि सुहानी की वो डिनर डेट खराब हुई थी, या फिर वो स्वेटशर्ट खराब हुआ था। अब आगे भी हमें वैसे ही युवराज की नजरों में सुहानी को गिराना होगा। पर ये सब होगा कैसे? ये सब हम पर छोड़ दो। छोड़ो सुहानी, मैं अपने बेटे से उसकी बीवी की शिकायत कर रही हूं। फिर तो पक्का आपकी बेटे की बीवी ने कोई गलती की होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी माँ तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। माँ एक बार बताइए ना, क्या आखिर आपके गुस्सा होने की वजह क्या है? सुनना है तो बताओ। मकर संक्रांति की तैयारियां तुम क्यों नहीं कर रही? तुम इस घर की बहू हो ना, तो फिर कोई और त्योहार की तैयारियां क्यों करे? नहीं माँ, तैयारी हम ही कर रहे थे। सोमू को केवल हमने लड्डू ऑर्डर करने के लिए कहा था। तुम घर पे हो तो फिर लड्डू बाहर से क्यों आएंगे? लड्डू तुम बनाओगी, समझी? सुहानी, माँ ने क्या कहा सुन लिया? अब कोई बहस मत करना। हम नहीं करेंगे बहस, पर माँ आप भी अब गुस्सा छोड़िए ना। सुहानी, गुस्सा तो कम नहीं होगा, बहुत छूट दे दी है मैंने तुम्हें, पर अब नहीं। अब तुम अपनी सास का असली रूप देखोगी। नहीं माँ, सॉरी माँ, प्लीज माफ कर दीजिए। पहले लड्डू बनाओ, तब देखेंगे, तब शायद तुम्हें माफी मिल जाए। सोफी, तुमको पता है इस वक्त हमको कैसा लग रहा है? हमको इस वक्त बिल्कुल वैसा लग रहा है जब हमने पहली बार स्कूटी चलाई थी। तुम्हें पता है जब हम स्कूटी चला रहे थे ना पहली बार, तो ऐसा लग रहा था कि सड़क से सामने से आने वाला हर एक इंसान हमको टक्कर मारेगा और हमारा एक्सीडेंट करके निकल जाएगा। ऐसा लगा था कि मानो हम देश के लिए ना सरहद पे शहीद होने जा रहे हैं। पर तब हमें ना सौम्या ने हिम्मत बंधाई थी। सोफी, आज भी हमें बिल्कुल वैसा लग रहा है कि जैसे हम शहीद होने वाले हैं। और रमेश भैया ना लड्डू बनाने के लिए तिल लेकर यमराज के रूप में किसी भी वक्त आने वाले हैं, और उस लड्डू के बदले में हमारी जान लेकर जाएंगे। सच में स्नूपी, तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना डर लग रहा है। सोमू, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हें याद कर रहे थे। क्यों, क्या हुआ? यार माँ ने ना वो तिल के लड्डू बनाने के लिए कहा है। मन नहीं है तो मना कर दे। कैसी बातें कर रही है तू? हाँ सुहानी, मैं देख रही हूँ आंटी तुझसे कुछ ज्यादा ही चिड़के बात कर रही है। अगर मेरी सासू माँ ने मुझसे ऐसे बात की होती या मुझे डांट लगाई होती, तो मैंने उल्टा उन्हें अच्छे से सुना दिया होता, ताकि आइंदा वो मुझसे ऐसे बात ही ना करे। नहीं सोमू, माँ तुम्हारी सासू माँ जैसी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और अपने तीनों बेटों के बराबर हमें भी उतना ही प्यार करती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, बना दे लड्डू। यार कैसे बना, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अगर इस बार भी हो गया तो? पर सोमू, तुम्हें क्या हो गया? पहले तो हर काम के लिए कितना बढ़ावा देती थी, हौसला देती थी, चाहे वो स्कूटी चलाना हो, पार्लर जाना हो या कंप्यूटर सीखना हो,
लड्डू के लिए तुमने साफ मना कर दिया। सुहानी, उन कामों में और इस काम में बहुत फर्क। एनीवे, तू एक काम कर, तू सिर्फ लड्डू बनाने की एक्टिंग कर और तू बाहर से लड्डू मंगा के वो दिखा दे, कह दे कि तूने बनाए। सिंपल। भाभी जी, भाभी जी, तिल। हाँ। अब ऐसा कौन सा कांड करने वाली है ये सौम्या जो सुहानी भाभी को लड्डू बनाने से रोक रही है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।